हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे L&T स्टॉक के बारे में, L&T का स्टॉक का प्राइस मूवमेंट और फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो अभी जो प्राइस चल रहा है 1897 जो L&T स्टॉक है उसमें करेक्शन दिया है। कब ना 1950 से बहुत बड़ा करेक्शन दिया है, क्योंकि हर स्टॉक में एक उतार चढ़ाव रहता है और उसमें एक ही तरफ से नहीं जाता है, जैसे बुलिश ट्रेंड बुलिश है। बट हर स्टॉक में आप देखोगे पीछे का कैंडल, ये सब वन डे कैंडल है, पीछे का देखो यहाँ बेरिश है, यहाँ बेरिश है, हर स्टॉक में बेरिश रहता है। बेरिश मूवमेंट नहीं रहने से वो आगे कैसे रास्ता रखेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक बुलिश ट्रेंड बेरिश ट्रेंड लगा रहता है। तो आपको यहाँ देखना है, अभी जो बेरिश ट्रेंड दिखा है एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, जो कैंडल बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न और फुल टाइप का एक पैटर्न बना है जो बेरिश एंगल्फिंग। हमको कहाँ से एंट्री करना है जो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पीछे का देख सकते हैं, यहाँ पर जो 1850 के आसपास में एक हाई बनाया था वहाँ से तोड़ा था, यही हमारा सपोर्ट रहेगा जो अभी रिसेंट गिरने वाला है। अभी 1897 गिरा है एंगल्फिंग पैटर्न के बाद, अगर 1850 के आसपास मिलता है तो वहाँ से एंट्री करिए। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 1800 स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि इसका लो रहेगा। पीछे का देखें इसी तरह धीरे धीरे करके वो मूवमेंट किया है पीछे का, जितना हम देखेंगे चार्ट और लंबा चार्ट और बुलिश ट्रेंड है वो कम से कम 2000 तक टारगेट आप बना सकते हैं आराम से। अगर शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई होल्डिंग करके शॉर्ट टर्म में बेच सकता है तो वो 2000 टारगेट बना सकते हैं। तो अभी एंट्री पॉइंट क्या होगा, 1850 का एंट्री पॉइंट होगा। ये L&T स्टॉक है, L&T का स्टॉक का अगर पीछे का चाल देखेंगे बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ है। पीछे के चाल से कम लॉकडाउन से सो कंटिन्यू मूवमेंट चल रहा है ऑफ ट्रेंड में। अभी थोड़ा करेक्शन दिया है, करेक्शन के बाद फिर जब ट्रेंड पकड़ेगा तब ये क्रॉस करेगा 2000 एवव। अभी के लिए आप अगर लेना है एंट्री करना है थोड़ा 50 पॉइंट इंतजार कर लीजिए, थोड़ा नीचे मिलने से एंट्री करिए और टारगेट रहेगा 2000 प्लस। तो यह रहा L&T स्टॉक का जो चार्ट एनालिसिस। अभी हम देखेंगे फंडामेंटल में कितना लोग एनालाइज करके बताते हैं, तो चलते हैं। तो ये रहा L&T का फंडामेंटल चार्ट। फंडामेंटल में हम देख सकते हैं एक साल में ये 65% रिटर्न दिया है, और ओवरव्यू देखा जाए तो वन मंथ में 6% रिटर्न दिया है। ये जो हाई बनाया है यहाँ पर 1981 हाई बनाया है, बहुत बहुत बड़ा हाई बनाया है ओवरव्यू में। अभी यहाँ से गिरावट हो चुका है, 100 पॉइंट का गिरावट हो चुका है। तो हम डिटेल में जानते हैं ये क्या करता है और कैसे हमारे जो स्टॉक के एनालाइज जो एक्सपर्ट होते हैं वो लोग क्या राय देते हैं, उसके बारे में हम चलते हैं इस वीडियो में। तो अभी हम देखते हैं इनका जो राय है। एंट्री पॉइंट भी गुड दिया है यहाँ पर, एंट्री पॉइंट गुड लेने के लिए अभी, और 97% अभी यहाँ देख सकते हैं 97% रेशियो दिया गया है यहाँ को लेने के लिए। ये सबसे बढ़िया एंट्री पॉइंट है, इसको हम रिकमेंड कर सकते हैं इस शेयर में एंट्री करिए, क्योंकि उसका चार्ट भी बहुत बड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। उसका जो फाइनेंशियल चार्ट देखेंगे और फाइनेंशियल पे देखो डे टू डे यानी ईयरली ईयरली बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके धीरे धीरे आ रहा है। पहले 7 करोड़ था, 9 करोड़, 10 करोड़ और 12 करोड़, 2021 में 12 करोड़, यानी इसका ग्रोथ रेट भी बढ़िया है, एनालिस्टिक भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। आप इसको ले सकते हैं, फंडामेंटल मजबूत है, टेक्निकल मजबूत है, चार्ट मजबूत है। तो आप एंट्री पॉइंट भी आराम से मैं बता दिया कहाँ से एंट्री लेना है, वहाँ से एंट्री ले लीजिए और टारगेट लंबा रखिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा रहा लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।